गोरखपुर जिले में बुधवार को 152 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक कोरोना संक्रमित 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,615 हो गई है। इनमें से 286 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,862 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,467 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच की जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि शहर के 89 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को सबसे अधिक 22 मरीज शामिल है। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 6, कैंट थाना में 18, कोतवाली में 16, गुलेरिया में 7, राजघाट में 5, रामगढ़ताल में 4, तिवारीपुर में 2 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 7 नए मरीज मिले हैं। इसमें चरगावा में 24, खोराबार में 4, खजनी में 2, ब्रह्मपुर में 1, सहजनवा में 3, गगहा में 1, पिपरौली में 4, कैंपियरगंज में 1, बेलघाट में 5, सरदारनगर में 1, पाली में 1, पिपराइच में 3, गोला में 2, कौड़ीराम में 4, भठठ में 4 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 12 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित।